जाड़ा हो या गर्मी हो या फिर बरसात हो, यहाँ पे बराबर ही मेला मंडी लगता है। यह वीडियो आप लोग दिलदार नगर के ही पशु मंडी से देख रहे हैं। अब हम जैसे ही यहाँ पे 9 बजे के करीब इस मेला मंडी में उपस्थित हुए तो हम यहाँ पे देखे एक बहुत बड़ी भैंस जो आप लोग के सामने है। ऊंची भैंस है, थोड़ा आगे बढ़ाइए तो भैया, पहले इसके चार ढाल को आप लोग देखिए। चार रोज का बच्चा बताया जा रहा है। इस भैंस के जो मालिक हैं उनसे ही हम इस भैंस से संबंधित जानकारी लेंगे। बच्चा कितने दिन का हो गया चचा? चार रोज के भैया, चार रोज हो गया। ये देवेंद्र चचा हैं, दिलदार नगर के मेला मंडी में बराबर ही अच्छी से अच्छी भैंस बेचते हैं। उनके यहाँ ही ये भैंस आई हुई है। ये पड़िया है, बचुआ कौन ले लीजिए, पहले ब्यात में है। कहाँ रे, हो देखो, काफी ऊंची और बड़ी भैंस है। इस तरह की भैंस का मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, कभी कभार ही देखने को मिलती है। हाँ भैया, बच्चा पाड़ा पड़वा बयान पहला है, दूसरा है, पहला है दो दांत। जानकारी के लिए मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि इसके मुंह में हम खुद देखे थे, दो ही दांत में है। दूध लगभग कितना हो जाएगा? दूध इस समय 15-16 शेर पर है गर्म। 15-16 शेर बता रहे हैं। ऊंची भैंस है, लंबी भैंस है। इस तरह की भैंस का दूध क्षमता भी कहीं ना कहीं अधिक होता है। क्या दाम मांग रहे हैं चचा? दाम तो साढ़े तीन लाख। कितना? साढ़े तीन लाख। साढ़े तीन लाख रुपए बता रहे हैं। हरियाणा जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आप लोग को भैंस मिल जाएगी। अच्छी भैंस है, बस कहीं ना कहीं लेन देन वाला कहीं ना कहीं भाव जो है आप लोग के हक में आना चाहिए। अच्छी भैंस है, एक लेने देने वाला रेट जरा बताइए। जो आएगा भैया उससे कम होगा। कितना? जो एक ही भाव बताइए तो। एक ही भाव। दो के ऊपर तीन के नीचे बिकेगी। दो के ऊपर तीन के नीचे, हाँ। तो 2,01,000 भी हो जाएगा? अरे उसके बाद 2,000-1,000 होगा कि 2,500 होगा, क्यों जान रहा कि 2.5-3 लाख होगा। मतलब आपका विचार है कि 2 से ऊपर बेचेंगे। देवेंद्र चचा का कहना है कि ये भैंस जब भी बिकेगी तो 2 से ऊपर इनका विचार है, ये बेच भी लेंगे, हम इनको भली भांति जानते हैं। बच्चा पाड़ा है, पहले ब्यात में है ये भैंस। दूध के मामले में पहले ही आप लोगों को बता दिया गया 15-16 लीटर, 14 लीटर दूध कहीं भी नहीं गया है। अगर अच्छी खिलाई पिलाई रही तो 13-14 लीटर, जिस हिसाब से ऊंची है। इधर आइए भैया, कटनी से आते हैं, क्या नाम है? विनोद यादव। विनोद यादव एमपी से आते हैं, है ना? आइए भैया यहाँ पे। ये जो बड़ी भैंस है आपके देखने से, इसका जरा वो बता दीजिए ताकि लोगों को मालूम चले, क्योंकि आप एक व्यापारी रूप से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सही बोलिए जी। बढ़िया भैंस, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास भैंस है। लेकिन इस मेला से मुझे एक बात की शिकायत है, ये मेला 2 दिन लगना चाहिए। 2 दिन लगना चाहिए क्योंकि हम लोग एक दिन में पूरा क्लियर नहीं हो पाते। जी जी, भैंस की परख जो है एक दिन में क्लियर नहीं हो पाती है। मेरा निवेदन है मेरा मालिक से कि मेला कम से कम 2 दिन लगाएं, कि 2 दिन में हम लोग भैंसों को अच्छी तरह से 2 टाइम लगा के परख, जांच परख के। वैसे शनिवार के दिन ही कुछ भैंसे आ जाती है, शनिवार के दिन आती है, लेकिन जो भी यहाँ व्यापारी वर्ग आता है, हम लोग जैसे आते हैं तो इतवार के दिन ही आते हैं, शनिवार को कोई नहीं आ पाता, शनिवार को भैंसे आती है। जी, जिस हिसाब से ये भैंस है इसका एक प्राइस बताइए आप, की कहीं ना कहीं इस कीमत में आ जाए तो उचित है। कम से कम 1.5 लाख से ऊपर की होगी। अब भैया से तो अभी हम दाम पूछे नहीं है। भैया अपने तरफ से इसका कीमत 1.5 से ऊपर बोले हैं, ये सही बोल रहे हैं, 1.5 और 2 के बीच में आनी चाहिए, अब जहाँ तक हो जाए ना भैया। जी जी बिल्कुल, अच्छी भैंस है। बाधी है, अपने बच्चे के प्रति बहुत ये भैंस ललायित है, बार बार ये बच्चे के पास जा रही है। इस तरह की भैंसों का मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्या भैया सही बोल रहे हैं? दिलदार नगर मिनी हरियाणा हो चुका है आज की डेट में, हम इसे मिनी हरियाणा भी बोल सकते हैं। आप जैसा जो हरियाणा में जो माल ढूंढ रहे हो वो माल आपको यहाँ भी मिलेगा एकदम, और क्वालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल।
दिलदार नगर के इस मेला मंडी से हम एक और दुधारू भैंस को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबू थोड़ा लंबी चाल में ले चलिए ताकि इसके चाल ढाल और हाव भाव को देख के लोग समझें कि भैंस कैसी है। ये भैंस विकास भाई की है, दुर्भाग्य से विकास नहीं है, इनके पिताजी हैं यहाँ पे। क्या नाम है? सिंहासन यादव, उन्हीं की ये भैंस है। विकास अगर ये वीडियो देख रहे होगे तो समझ गए होगे विकास किसी जरूरी काम के लिए बाहर गए हैं। इसके बारे में बताइए सिंहासन जी, बच्चा क्या है? बच्चा फाड़ा है। और ये कौन से व्यान में है? दूसरे में है। और दूध कितना हो जाएगा इसका? 13 किलो। दूध बता रहे हैं कि 13 किलो। रोकिए भैंस को, काफ़ी अच्छी भैंस है। सिंह की जो बनावट है काफ़ी सुंदर, ये जो सर्कल देख रहे हैं काफ़ी सुंदर, मुर्रा टाइप है ना। ये दूसरे व्यात में है। दूध चचा बोल रहे हैं 13 किलो। सत्य बता रहे हैं, बिल्कुल महीन और बारीक चमड़ी में है ये भैंस। का दाम मांग रहे हैं? 1.20। जरा देने वाला बताइए तो सियासन चाह, एक सी बात। बात 1.10 को होगी। कितना? 1.10। एक के अंदर आइए। नहीं नहीं आइए, नहीं एक के अंदर आइए। नहीं अंदर नहीं, अंदर नहीं होगी। कितने में होगी? सही बोलिए। 1.5। ये भैंस अगर 85 के इर्द गिर्द आ जाए तो ऊँची। बच्चा पाड़ा है ना, अगर पड़िया रहती तो थोड़ा और सही रहता। अच्छी भैंस है, 12-13 लीटर दूध के लिए भैंस सबसे सही। ये वाला बच्चा है? हाँ वाला वाला। अस्सी से 85 के आसपास आ जाए तो ऊंची था। लोगों की जरूरत इस मेला मंडी से गाभिन भैंसों की भी होती है। बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं कि विपिन भाई आप इस मेला मंडी से गाभिन भैंस नहीं दिखाते हैं। वही लोग हैं जो बाहर के लोग हैं, है ना, जो यहाँ के मेला मंडी से व्यापार करना चाहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के मेला मंडी से गाभिन भैंस ही ले जाना पसंद करते हैं। ले आइए इधर, मध्यम आकार की भैंस है। इसके ब्याने के बाद इसका दूध 12 लीटर से कम नहीं होगा। चौड़ी भैंस है। क्या दाम मांग रहे हैं जी? 95। होगी कितने में? 85 पे होगी, ऐसा चाचा का कहना है। लेकिन ये भैंस अगर 70 के इर्द गिर्द आ जाए तो उचित, सबसे सही। 70, 71, 72 इतने तक भी आ जाएगी तो सही। अच्छी भैंस है। सुन रहे, इतने इस मेला मंडी में यहाँ देखिए खोला टाइप भी भैंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। डेयरी फार्म के लिए सबसे उपयोगी भैंस होती है खोला टाइप। उसी को बोला जाता है जिसका ब्यात ज़्यादा हो, चौथे में हो जाए, पांचवे में हो जाए, छठवे में हो जाए, उसे खोला टाइप भैंस बोला जाता है। इस खोला टाइप भैंस का सौदे की बात चल रही है। अगर हमारे सामने ये भैंस बिकती है तो तुरंत हम आप लोग को दिखाएंगे कि भैंस कितने रुपए में बिक रही है। बच्चा इसके पास पाना अच्छी है। दूध करीब 13-14 लीटर से कम नहीं होगा, ये हमारा अपना अनुभव बता रहा है। 13-14 लीटर दूध होगा दोनों टाइप का। तजम भाई हैदराबाद से आते हैं और बराबर इस मेला मंडी से थोड़ी महंगी भैंस जो अन्य लोग छोड़ देते हैं, जिनकी क्षमता नहीं होती है भैंस खरीदने की, उसको ये ले लेते हैं। तजम भाई इधर आइए, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे।
हाँ भैया, कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं भैया, बाजार को बाजार आते हुए आप बराबर आते हैं इस मेला मंडी में? बिल्कुल बराबर आते हैं। मार्केट सही है यहाँ का? मार्केट तो थोड़ा टाइट है भैया। टाइट है तो फिर भी तो कहीं ना कहीं आपकी क्षमता बनी हुई है लेने की? चल रहा है अभी, अभी रुक गए तो अभी तो नजर आना घर पे बैठने के बाद। सही है। इस भैंस की खरीदारी के लिए आप काफी मेहनत किए हैं? बहुत मेहनत किए, दो घंटे की मेहनत के बाद में भैंस। लगभग एक मोटा मोटी कीमत बताइए ताकि आपका बाजार भाव वहाँ का खराब ना हो। वहाँ का खराब ना हो क्या, सबके सामने सबको ही पता है 31 की भैंस हुई यहाँ पे। 31 की सबको पता है। देखिए काफी अपनी क्षमता बना कर, 50 आदमी को पता है यहाँ। काफी अपनी क्षमता बनाकर भैया इस भैंस की खरीदी 31 में कर रहे हैं। बच्चा पाड़ा है तजम भाई, इसका दूध कितना हो जाएगा? इसका इसका 15 से 16 लीटर दूध होगा। इससे कम दूध नहीं है। अच्छी भैंस है, ऊंची कदकाठी की भैंस है। जो हैदराबाद के एक व्यक्ति हैं तजम, वो खरीद लिए हैं। मैं इस मेला मंडी से बराबर ही प्रयास करता हूं कि आप लोग को अच्छी से अच्छी भैंस को दिखाऊं, बिकती हुई भैंसों को दिखाऊं, है ना। तो कृपया हमारे इस तरह का मेहनत भरे वीडियो के लिए लाइक जरूर दे दिया करें और कमेंट भी किया करें, है ना, ताकि मेरा मनोबल बना रहे। वीडियो को शेयर भी करें अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। ले तो को के बिना पैसा के दुहवा ना दे भैंसिया के, मर दे भले 3 दिन का बच्चा दे ले बिया, लेकिन दुहवा दे में कुछ 10 आदमी के सामने मत तो बात नहीं दो। बिहार के नंबर 1 को कह दिया जे का कहतल हम, मर दे दुहवा दे हार मारे के बाद खाली हार से हो जाता, खिलाना पड़ता तो चप निकलता। हार दिन में कितने पाव पड़ता हार तो ना दे। होगी कितना? इधर आ, इधर आ। अरे खोले तो होई बे जानी तो सब होकर ग्राहक हो गए। पूछा रहा हूं जयराम भैया, अच्छा दिखाइए। हमें सब घिसी किसी का है। अच्छा भैंसिया दिखाइए, चक्कर से सब कोई लाल तो हम क्या दे दे रहे। भैंसिया दिखाइए, चाचा भैंसिया दिखाइए। तो इस मेला मंडी से हम एक और भैंस को दिखा रहा हूँ। ये चाचा है, इन्हीं की भैंस है। क्या नाम है चाचा? उदय नारायण सिंह यादव। कजरिया से हैं, कजरिया गांव है, राजपुर थाना बिहार से आए हैं। इनके यहाँ देखिए एक ये भैंस कदकाठी की, ठीक है। हैदराबाद से आए हुए व्यक्ति कहीं ना कहीं इस भैंस के लिए भी बातें चला रहे हैं। दो लोगों के बीच बातें चल रही है, लेकिन फिर भी हम लोग इसका कीमत जानेंगे कि बेचने वाले व्यक्ति इसका क्या दाम मांग रहे हैं। बच्चा हम देख रहे हैं अपनी आंखों से ही, नया बच्चा है। यहाँ देखिए अब ये नहीं बता सकते हैं कि पाड़ा है कि पड़िया, वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। बच्चा क्या है चाचा, बच्चा क्या है? बच्चा पाड़ा बताया जा रहा है। और कौन से बयान में है चाचा? ब्यात दूसरा बयान, दूसरे में ही होगी भैया। अगर जमता तो ठीक है भैया, हम खबर दे जब कहीं रहो, खबर पे वो नहीं, खबर दे जब कहीं रहो बला दे। दूध में काफी अच्छी रहेगी। अब ना पक्का आ जाओ, अब ना आओ तुमने से बताया भाई भैया है इस तरह मांग। अच्छा अच्छा कितना दूध हो जाएगा इसका? दूध के मामले में बोल रहे हैं कि दूध 14 लीटर। अच्छी थनों की बनावट वाली है। इस तरह के जो थन है ना, जो लटुइया थन हम लोग की तरफ गांव देहात में बोलते हैं, वो पूरे पूरे हाथ में पकड़ में आ जाता है। एक अच्छी थन होती है। इस तरह की थनों को काफी लोग बोलते हैं कि सर्वश्रेष्ठ उत्तम थन माना जाता है। शरीर हिलेगा, शरीर हिलेगा। का दाम मांग रहे हैं इसका? दाम इसका 125 माना। थोड़ा हिसाब से बोलिए। 120 पर ले जाइए। एक के अंदर आइए। अरे के अंदर की भैंस है वो? कहाँ की है? एक के अंदर कहाँ मिलेगी? कितने में देंगे? 14 लीटर दूध। लेने देने वाला दाम बोलिए और पैसा लीजिए नगद। ठीक है, तो कितने में होगी? कितने में? एक ही बात सिर्फ एक ही बात। ज्यादा बोल रहे हैं, 115 बोल रहे हैं, ज्यादा बोल रहे हैं। बहुत होगी आपकी भैंस तो 90 रुपए के करीब जा सकती है ये। 15 का रिचार्ज ये देखो ना। तो ये थोड़ी नहीं, ये चाचा को देखिए, ये चाचा को ये बोल रहे हैं कि वो 115 में बिकी है, तो हमारी भी भैंस 115 में बिक जाए। माने वह जाती है भैंस,
वही जात है भाई। आप अपने धन का कीमत बताइए, दूसरे का ना देखिए कि है। और दूसरा अगर सस्ता बेच दे तो अभी बेचेंगे नहीं। हाँ उसका बात थोड़ी है। हाँ हमको रुपया मिल रहा है यहाँ पर ना, तो गुड्डू यहीं पर जा करके पूछिए तो कितना रुपया मिल रहा है। यहीं पर खलीफा का गांव कारीराम का है ना गुड्डू, पूछिए पाँच कितना रुपए में, कितना रुपए में, कितना मैं बोल रहा हूँ। आप इसको कितने रुपए में देंगे? हाँ कितने में हम बेचेंगे तो 1-15 में बेच सकते हैं। जब भी ये भैंस यहाँ पे बिकेगी तो हमें लग रहा है कि 90 से 95 हैं, इससे ऊपर की भैंस हमें लग भी नहीं रही। क्या दाम होना चाहिए भैया आपके नज़र से इसका? आने के बाद भी डेढ़ी मेरी देखना है। कितना? 80-85। ये भैया बोल रहे हैं 80 से 85। कहीं ना कहीं अपना हिम्मत क्षमता ऊपर ही बना के बोल रहे हैं। 90 तक आ जाए, 95 तक आ जाए तो उचित। अरे बारिश होने वाली है चाचा, भैंस बेच के जाइए घर। ठीक है, बारिश में तो और मजा देगा। मजा देगा? एक भाव बोलिए तो चाचा, एक भाव बोलिए, एक भाव बोलिए। एक ही भाव बोलता है, 1.40 को हाथ रही तो कितना में दे बुझाइल ना कहली। हाँ कि जोड़ जाट के कौन है गुड्डू के कार्यम से पूछ लो। 1-5 चाचा अड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा दाम मांग रहे हैं, इनके अकल को ठिकाना लगाना पड़ेगा। आ रहे हैं आपके पास भी आ रहे हैं। अच्छी भैंस है, इसका दूध 12 लीटर से लेकर 14 लीटर कहीं भी नहीं गया है। अच्छी भैंस है ये, 90 तक भी आ जाए तो बहुत उचित है, बहुत जाएगी ऊपर तो 95। अब इससे ज़्यादा हिम्मत और क्षमता नहीं है इस भैंस को लेने का। इस मेला मंडी से बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि मुर्रा भैंस खरीदें, उनके लिए भी ये मेला मंडी सही है। जब भी आप लोग यहाँ पे आएंगे तो मुर्रा की बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। भाई लोग, इस मेला मंडी से जो वीडियो बनती है वो 3 दिन के लिए बनती है। एक आज अपलोड होगी यानी रविवार के दिन, फिर वीडियो अपलोड होगी सोमवार के दिन, फिर मंगलवार तक वीडियो अपलोड होती है। ये जो वीडियो आप लोग YouTube पे देख रहे हैं, यही वीडियो हमारे असली आईडी जो Facebook पे है विपिन सिंह के नाम पे, उस पे देखने को मिलेगी। इस मेला मंडी में जो आप लोग ये भैंस देख रहे हैं, देखिए ये मिनी भैंस है, हम लोग की तरफ गांव देहात में मैनी भैंस बोला जाती है। इसका रिकॉर्ड बढ़िया रहा है ना भैया, आप जानते हैं ना कितना दूध? 7 किलो करम दूध, पहले ब्यात में ही 7 लीटर दूध दुहा गया है एक टाइम का। ये दूसरी ब्यात में थी और इस मेला मंडी में बिकने के लिए आई थी। कल के दिन ही मैं यहाँ पे आया था तो ये भैंस हमें दिखाई दी थी। बच्चा क्या है? बच्चा पड़िया है और ये भैंस बिक चुकी है, इसका दूध निकाला गया है अभी हाल ही में, कोई व्यक्ति इसको खरीद लिए हैं। इसकी जो बिक्री हमें बताई जा रही है, कितना में बेचे हैं आप लोग? हम बता रहे हैं आप लोग को, इसकी बिक्री पूरे पूरे 1.5 लाख रुपये में बताई गई है कि 1.5 लाख रुपये में बिकी है। कोई बाहर के व्यापारी लोग इसको ले गए हैं। बच्चा क्या है? बच्चा पड़िया है, काफ़ी ऊंची बड़ी और भारी भरकम भैंसों में से एक थी। ये हाथ में देख रहे हैं इतने सारे नोट, दो भैंस लेना है इसी में, दो भैंस चाहे 5 भैंस। हम अपन भैया ने मांगा पैसा तो चाहे कहा ना भाई, पैसा के दे देता है चारों भैंस। नहीं भैया हमको फ्री में नहीं चाहिए, हम पैसा दे के लेंगे, देख रहे हैं ना नगद पैसा लेके चले हैं सब। ठीक है भैया, 1 लाख रुपए है, 4 भैंस चाहिए। नहीं मिलेगी भाई? नहीं मिलेगी, चलिए हम क्षमता बना लेंगे, आप बस बाहर निकालिए। अब बहुत से लोगों को इस मेला मंडी से डेयरी फार्म के लिए भैंसों की ज़रूरत होती है, वो लोग चाहते हैं कि अपने डेयरी के लिए भैंस खरीदें, तो 10 लीटर वाली भैंस ज़्यादातर वो लोग चाहते हैं, और 10 से ऊपर हो जाए कम ना हो।
क्या बच्चा है इसके पास? पाणा बच्चा बताया जा रहा है। और कौन से बयान में है ये भैंस? तीसरी बच्चा दी। तीसरी मध्यम आकार की भैंस है। दूध इसका 12 लीटर कहीं भी नहीं गया है, अगर अच्छी खिलाई पिलाई रही तब। दूध कितना हो जाएगा भैया? 14 लीटर। का दाम मांग रहे हैं इसका? 1.5 मांग रहे हैं। कुछ ज्यादा ही भैया बोल गए, 1.5 बोल रहे हैं। लेकिन ये भैंस 80 के अंदर अंदर की है, 70-75 के आसपास आ जाए तो चलेगी। 70,000 रुपए के आसपास, 75 नहीं, 65 से 70। सीधा सीधा ले चलिए। इस मेला मंडी से लोगों की जरूरत नई भैंसों की भी होती है। वो चाहते हैं कि एकदम नई भैंस खरीदें। पहली पड़िया खार की झोटी, दांत में 4 है। दांत में 4 है। दूसरे में है बढ़िया पाड़ी है, बच्चा पाड़ी दिया। 2 से 4 में हो रही है। अच्छी भैंस है, ऊंची भैंस है। बच्चा क्या है इसके पास? मजे की बात है, बच्चा देखिए यहाँ पे पड़िया है। दूध कितना होगा? 10 किलो तैयार है अभी। 10 किलो दूध भैया बोल रहे हैं तैयार। का दाम इसका मांग रहे हैं आप? दाम 95,000 मांग रहे हैं। उचित बोलिए, लेने देने वाला आप ही बोलिए। इसको छोड़ दीजिए आप 70 पे। 70 पे तो फिर कितने पे होगी? 80 पे ले जाइए। कितना? 80 पे। ज़्यादा मांग रहे हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। एक बार निकालिए तो इसके हालात को देखा जाए। जो हम कीमत अपने तरफ से लगाए हैं वो कम नहीं लगाए हैं। अगर इस कीमत में दे दें तो देखिए नगद पैसा है हाथ में, तुरंत दे देंगे। सत्तर हजार रुपये हमें लग रहा है उसी एक रुपये भी आगे बढ़ना सही नहीं है। 60 से लेकर 70 के बीच में आए तब जाके सही है। 65-60 में आ जाए तो उचित। बांध दीजिए। ले आइए इधर। इस मेला मंडी से लोगों की इच्छा इस तरह की भी भैंसों से है। लोग चाहते हैं कि वो एकदम नई भैंस रखें, पहली ब्यात में या दूसरी ब्यात वाली। लेकिन पहले में है बहुत ऊंची और लंबी भैंस है। संयोग से ही कभी कभार इस तरह की भैंसों का मिलना होता है। जितना इसकी ऊंचाई है लंबाई भी है और कहीं ना कहीं इसको एक बहुत ही खास बना रहा है। बच्चा क्या है इसके पास? कितने दांत में है? दांत में 2 होने की, 4 पूर गई है क्या? 4। कितना दूध हो जाएगा इसका? आगे पानी बढ़ा दो, पानी में दूध 6 किलो टाइम पे हो गया है। अच्छा, आइए आइए आइए, ये भैंस बिहार से आई है। बिहार का है, प्योर दक्षिण माल। दक्षिण माल भैया बक्सर से आते हैं ना? बक्सर से, बक्सर बिहार बरुना। इधर ले आइए, लाइए इधर। अभी दांत में 2 दांत का पड़िया है। अपने आप में खास है? नहीं, दांत में 2 नहीं है। हम देखो 2 के 4 हो रहा है। 4 का क्लिक कर दिया, 4 का क्लिक कर दिया। दूध कितना बोला? दूध 11 लीटर अभी हुआ है दोनों टाइम में। 11। बच्चा क्या? पाड़ा। कितने दिन का है पाड़ा? 6 दिन का अभी। 6 दिन का पाड़ा इस भैंस के पास है। और क्या दाम मांग रहे हैं भैया? एकदम उचित बोलिए। गाय 1.11 होगी। कितने में? वही तनी मनी इधर उधर हो जाएगा। तनी मनी कितना? तनी मनी 1.5 को हो जाएगा। 1.5 को भैया इसको बोल रहे हैं 1.11, इसके बाद बोले 1.5 पे होगी। अपने आप में एक खास है भैंस। ये भैंस आज किस मेला मंडी के मुताबिक अगर 90,000 रुपये में भी आ जाए तो उचित, सक्सेस है।
दिलदार नगर के इस मेला मंडी में बहुत से लोग मध्य प्रदेश से आते हैं। दो चार महीने के लिए लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन अब कुछ समय से यहाँ पे लोग आना आरम्भ कर बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं कई लोगों को परेशानी भी होती है कि इस मेला मंडी की वीडियो ना बनाए ना भैया, बंद कर देना। नहीं, बनाओ बनाओ वीडियो बनाओ। इस मेला मंडी से यूसुफ भाई हैं, ये भैंस खरीद के ले जाते हैं, किसी जमाने से आ रहे हैं ना, 10 साल से ऊपर के हैं ये कारोबारी, 10 साल से ऊपर से कारोबारी हैं ये। नहीं ये भाई बहुत दिन से आते हैं, ये भी बहुत दिन से आते हैं। अच्छी भैंस है इसकी, अभी अभी यहाँ पे खरीदारी ये यूसुफ भाई की है। कितना में बेचे बाबू, कितना में? ये देखिए 41,000 रुपीज, पूरी 41,000 रुपये में इसकी यहाँ पे बिक्री बता रहे हैं। बच्चा पाना है। मध्य प्रदेश में इस तरह की भैंसों की मांग अधिक होती है, निर्धन किसान होते हैं वहाँ पे। बांदा। 3 लीटर दूध के लिए ये भैंस उचित है, टाइम का दूध देगी अगर अच्छी खिलाई पिलाई रही तो। इसकी बिक्री पूरे पूरे यहाँ पे 41,000 रुपये में हुई है। इस मेला मंडी में जब मैं पहले ही आया था तो इसका मैं वीडियो आप लोग को दिखाया था, सबसे पहले ही मैं दिखाया था। ये पहली पड़िया है और इस मेला मंडी की सबसे ऊंची भैंसों में से एक थी। अभी हाल ही में ये चाचा जो हैं अभी अभी खरीदे हैं। दूध निकाल दिया गया है क्या? हाँ, दूध निकाल दिया। कितना में इसकी खरीदी हुई है? 2 लाख। 2 लाख बता रहे हैं। कुछ कम कि कुछ कम है? कुछ कम है। एक मोटा मोटी कीमत बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं इनको भी आगे ले जाके सेल आउट करना है। हाँ, समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी भैंस में से एक थी। जब मैं इसका वीडियो तैयार कर रहा था तो कीमत कहीं ज़्यादा मांगा गया था। आपसे कितना मांग रहे थे बेचने वाले? 280 मांग रहे हैं। अपनी सूझबूझ से ये चाचा इसको खरीद दिए हैं। पूरे पूरे वैसे 2 लाख बता रहे हैं, लेकिन कुछ कम। इस मेला मंडी से हम एक और गाभिन भैंस को दिखा रहे हैं। भदावरी की मात्रा है, भदावरी भैंस के दूध में वसा की मात्रा अधिक होती है, जिसको घी का काम लेना है उसके लिए इस तरह की भैंस सबसे सही। गाभिन भैंस है, चौथे से कम में नहीं होगी। चौथे? हाँ, दूसरा बोलेंगे आप। उधर ले चलिए, उधर ले चलिए। अभी कितना समय ले जाएगी बच्चा देने में? 10 दिन बता रहे हैं। ब्याने के बाद इसका 8 से 10 लीटर दूध होगा, इससे कम नहीं होगा। अगर अच्छी खिलाई पिलाई रही है। अब ये नहीं कि रुखा सूखा चारा देके सोचेंगे कि इसका दूध निकाल लें। का दाम मांग रहे हैं चाचा? दाम 60,000 मांगता है। 60? नस्ल लेकर देखा है नस्ल। हम अपने तरफ से इसका कीमत 55,000 रुपये लगाए हैं। अगर इस कीमत में ये भैंस मिल जाए तो उचित, लेकिन ये दे नहीं रहे हैं अभी। देखा भैया, साथ हम पहले तो फ्रेश कर रहे हैं, देख लो मिला लो। ले लो नीमन भैया। इस मेला मंडी में देखिए नगीना चाय हैं, बहुत दिनों के बाद नजर आ रहे हैं। हल्की वाह। नगीना चाय, आपका स्वागत है। ठीक है, स्वागत है आपका हमारे जगह पे। कितना भैंस ले जाएंगे अभी? कोई ठीक है? ठीक है, शाम तक पता लगेगा। शाम तक भगवान सब कुछ भूले। हाँ, सब भूले। हाँ, सब ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला उनके बस ख्याल से। दिलदार नगर के मेला मंडी में बाबा जरूर नजर आते हैं, उनकी एक अद्भुत क्या है बाबा? ये चार नंदी बाबा हैं। नंदी बाबा हैं, बसाहब है नंदी बाबा, बसाहब है नंदी बाबा। तो बाबा आप कहाँ से आते हैं? बक्सर। बक्सर
तो हमारे बारे में भी कुछ भगवान से प्रार्थना कीजिए, भला हो जाए। बाबा के कुछ डोलची में डालो, बाबा को इतना डोलची में डाली है कि बाबा से उठे नहीं। दान पुण्य कीजिए, भगवान सब बरकत दे, भोले ना बाबा को। ये दिया जा रहा है, जा भगवान तारा के भला करी है, जरूरतमंद एकदम खूब खुशी से बाबा। पैसा हम आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं, खाना खाने के लिए दे। ठीक है, तो हम रंगी की है नहीं ले जाके, शराब नहीं पी बस। सुंदर तो बाल बच्चा कहीं है, तो हम तो गिरी बाबा ही किया है उससे। एक बात बाकी है पूछना बाबा, नहीं ना कुछ घना था और नशा नहीं आता नहीं बात। तो भोजन कर लीजिएगा, शरीर को बनाइएगा, बोलिए आपको आनंद रहे। जय भगवान, खुशबानी ना बाबा।